तो बाबा सुना जी जी का छप्पर में घी डालिए, आपके ग्रह कट जाएंगे, सारी विधि विधान है। राम मंदिर बनाया नहीं गया, राम तो हमारे दिल में भाई। जिन्होंने बताया कि अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप कहीं भी पूजा पाठ और दर्शन कर सकते। नमस्कार, अभी हमारे साथ प्रोफेसर कुलपति तिवारी जी मौजूद हैं और पूर्व में काशी विश्वनाथ के महंत भी रह चुके हैं, क्योंकि काशी में ये लंबे समय से ये काशी विश्वनाथ मंदिर के भी महंत रहे हैं, तो इन्होंने बहुत सारे अपने समय देखे हैं, क्या कुछ तरह से बदलाव हुआ है वो भी हम जानेंगे। महंत जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। आज काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसाई हुई नगरी है। पूरा का सृष्टि का निर्भर संचालन बाबा विश्वनाथ करते हैं। बस भगवान गंगा तट के किनारे यहाँ पे क्या है, स्मशान वह घाट है, यहाँ मुक्ति मिलती है, तीन जोन में बटा हुआ है। हम विश्वेश्वर जो है केदार, तो केदार असी है, काशी का अपना इतिहास है। विश्वनाथ धाम बन जाने के बाद जो विकास हुआ है, जो भी चीज़ बढ़ी है, वो बहुत ही और एक तरह से बड़ा शुभ संकेत था। विरोध तो नहीं किया जा रहा है, कई के अच्छे काम में विरोध होता है। हमारा भी भवन चला गया, वहाँ पर शिव मंदिर के सामने था, और मैंने बहुत कुछ देखा था। और जब परिवर्तन हुआ तो भाई ठीक है, स्वभाव के अनुसार आदमी को नया जगह एडजस्ट होना होता है, तो ये दिक्कतें आई, क्योंकि धर्म में दिक्कतें आती तो दिक्कतें काटता हूँ। यूँ तो मैं एकदम बाबा विश्वनाथ का एकदम प्रति परंपराओं के लिए निभाने के लिए ये भवन है, यहाँ से परंपराएं होती हैं, और बाबा का जो जितनी भी सेवा पूजा हो रहा है उसका एक नियमावली बनी हुई है,
वो जो है बहुत अनादिकाल से जैसे नियमावली होती है उसका पालन करना मेरा धर्म है, जैसे आम दर्शनार्थी भी करते हैं। मैं तो भाई विश्वनाथ आरती जो संग्रह है जो उसमें जो है उसमें भारत सरकार जो मांग रही है वर्तमान की, भाई आप क्या सुविधा चाहिए, तो हमारी सुविधाएं क्या है, सर्वप्रथम तो सुविधाएं की आप आस्था विश्वास रखिए। सुविधा आपको कुछ मिलती नहीं, सुविधा आजकल जानते हैं कि भाई पर्यटन को देखते हुए, और ये जो नया जो विवाद हुआ है कि भाई विवाद नहीं तो था ही, पूरा परिक्षेत्र जो है काशी का जो है विश्वनाथ का है, काशी मतलब काशी के राजा हैं, तो काशी के राजा में उनका सेवक होने के कारण और मेरा 1669 से आज तक जो परिवार चला आ रहा है उसको जो है जो बाबा विश्वनाथ का कृपा मिला आज तक हमारे हमारे पुत्र हमारे पौत्र पूरे परिवार को पर सभी वर्ग को भगवान विश्वनाथ का प्रणाम करता हूँ, हर हर महादेव करता हूँ। भगवान कहते हैं कि आप ये तो कई गण हैं हमारे यहाँ, देखिए जो एकता में देखिए हमारे परिवार में हमारी पत्नी है तो उनकी जो है मारपुरा है जो सृष्टि को चलाती हैं, उनसे भिक्षा मांगता हूँ। पुत्र हैं उनके भी अलग हैं, सबके अलग अलग भूमिका है, तो आपका सम्मान करिए, आप विश्वास रखिए, सब कल्याण होगा। तो जितनी परंपराएं चल रही थी अनादिकाल से, हमारा नौबत खाना था, बाबा का नौबत बस्ता था, बगल में कैलाश मंदिर था, मंदिरों का शहर है ये भी, मंदिरों का शहर है, तो हर दिल को साफ रखिए और विश्वास रखिए। आने वाली पीढ़ी को अगर ज्ञान मिलना है, रोजगार करना है, तो रोजगार आपके पास खड़ा है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सबसे बड़ा चीज़ ये मिला कि आप रोजगार मतलब बेरोजगार नहीं है। नहीं, पूर्व में क्या था कि जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर की हम बात करें, तो निर्माण होने के नाते कुछ जो दुकानदार जो थे उस समय रोष में थे, और जिसमें आपका भी मकान, भाई मकान किसी का नहीं होता है भैया, हमने लेके आए हैं लेके जाएंगे, जाएंगे तो कर्म लेके जाएंगे। आज आज भाई 72 साल हो गया, 72 साल का अनुभव है, तो 72 साल में यहाँ तो 85-90 साल के कैसे हैं अपनी तपोभूमि में, तब से जबकि दिनचर्या गड़बड़ाती है, तो पहले तो ये जो है भगवान शंकर कहते मैं योग हूँ कर्म योग, मैं भावी हूँ मेट सकती प्राणी, आप विश्वास आपके लिखे हुए भाग्य को बदल सकता हूँ, आपके अगर पुत्र है तो वो गणेश है का प्रथमेश मैंने एक नाम रखा, लोग कहते हैं गणेश, हमने कहा भाई जो आपका शरीर का आकार है भगवान शंकर ने बनाया, आप जितना जो है तप करेंगे जप करेंगे, जितना आपके दुख का दर्द देना अगर गेट पे खड़े हैं तो उनको भी आप पूरा पूजा करिए, मतलब हमारी ये परंपरा है इसको कि वर्तमान में जो है वो अटल जी ने जिन्होंने कहा था कि भाई वो भी आपका है परिवार जो बना पर आप क्यों विश्वास, आप तो अति पूज्य हैं, आप विश्वास रखिए कोई आपको भला नहीं चाहेगा बनस्पति की दूषित आपकी भावना हो, भावना अगर आपकी दूषित है, शक है, डर है, ये पूरा क्षेत्र है यहाँ डर किस बात का, ये देखिए जितने भी चीज़ें हैं बस ये है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जरा सेटेलाइट को मजबूत करिए अपनी सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि भगवान शंकर है नीचे बैठे हुए हैं, इनका चार 10 पहर है, दीपक जलाइए जो हमारे 56 है आपका, जो बाबा सुना जी का 56 है घी डालिए आपके ग्रह कट जाएंगे, सारी विधि विधान है। शिवलिंग का मतलब क्या है उसका समझिए, उनके पीछे हमारे ग्रैंड फादर हैं उनकी तस्वीर लगी हुई है पंडित महा, उनके द्वारा बनाया हुआ उसका पालन करिए, दिशाओं का पालन करिए, हमारे परिवार में जितने भी हैं सबकी रक्षा, और परिवार का है हम परिवार मतलब पूरा शंकर जी का पूरा वंश ही है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सैव हो बौद्ध हो सब है, सबको अपना धर्म निभाना चाहिए। नहीं अब चूंकि अभी जो ज्ञानवापी परिसर का जो मामला चल रहा है, देखिए मतलब मामला नहीं चल रहा है, मामला तो था ही, न्याय अब मिला है। नहीं हाँ न्याय मिला है लेकिन राजनीतिक पक्ष जो है वो अपने हिसाब से, मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं राजनीति मैं बता दूं मैं किसी का मैं राजनीति के खिलाफ हूँ,
राजनीति अगर हम समझेंगे तो भाई पता चला आप आए हैं, आप ही हमारे दुश्मन हैं। बिल्कुल, तो हम क्यों नफरत करें? बेटा है वो सोचेगा हम करें। आप राजनीति में आप विश्वास करिए, अगर वो आपका भला चाहता है तो स्वीकार करिए। यदि आपको देख रहा है पिताजी वृद्ध हैं या आप कमजोर हो गए हैं तो उसको दे दीजिए दायित्व, भाई मेरे आप रक्षा करो। नहीं, उसी दायित्व का ही तो लड़ाई कोर्ट में चल रहा है। अब विपक्ष कह रहा है कि मंदिर नहीं है, ये फव्वारा है, और उसी को लेकर अब धीरे धीरे कोर्ट ने भी फाइनल किया। देखिए इशारा कि मैं कोर्ट नहीं करता, आपके अंतरात्मा सर्वोच्च न्यायालय विश्वनाथ से बड़ा कोई अदालत है, ये तो मानवीय अदालत है भाई। जब हम अदालत में जाके अपना धर्म जो है बेच दिए हैं, मानवीय अदालत है, तो मानवीय अदालत में क्या कर सकता हूँ? हमें जानते हैं क्या था क्या है, क्या सच को प्रमाण नहीं है। मैं सच हूँ तो प्रमाण दे दूंगा, अब आवे जिसको आना होगा आवेगा। अच्छा, हाल ही में अभी राम मंदिर को बनाया गया है और राम लाखों मतलब श्रद्धालु भी जा रहे हैं। राम मंदिर बनाया नहीं गया, राम तो हमारे दिल में भाई। राम को कौन बनाएगा, शिव को कौन बनाएगा? नहीं, वो तो बोलते हैं कि हम जो राम को लाया हम उनको लाएंगे, अब वो इस तरह का नारा पूर्व में चलता था। देखिए पूर्व में चलता था, पूर्व हम कहते राम और शिव और कृष्ण दो ही संप्रदाय है भाई। साहब वैष्णव तो सब जो है वही वैष्णव है, वैष्णव याद कहा गया तो हम जन्माष्टमी मनाते हैं, हम जो है राम का नहीं पूजा करते। जब जाते हैं स्मशान घाट पर राम नाम सत्य मतलब क्या है, तो राम ही तो शिव है, शिव है राम। शिव को कहा गया लाल पत्ती चलाई भगवान का, तो राम को तो हम तो भाई राम शिव एक ही। अब ये किसी का अलग पद्धति है, जैन अलग है, बुद्ध अलग है, मुस्लिम अलग है, हमसे क्या मतलब? आप विश्वास करिए आपको बुरा नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं आस्था रखना चाहिए, चाहे जैसे आस्था रखिए भाई। हमारे सीधी बात है, आपके ग्रह आपके कर्म है, अगर आपके ग्रह खराब है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। अपने दर्शकों और जो युवा हैं हम उनके लिए जानना चाहेंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर में आप कितने समय से और कितने लंबे तक समय तक अभी भी हैं या आगे रहेंगे? देखिए बाबा विश्वनाथ में हम रहेंगे क्योंकि हमारे पूर्वज जी थे, 1669 से आज तक सभी परंपराएं हैं। अतः परंपराएं हैं तो रीति रिवाज है, ये है कि हमने अपना जमीन नहीं बेचा। अच्छा, मतलब हमने पैसा के लालच में कोई काम नहीं किया। यहाँ क्या है कि लोग पैसे को बधार दे रहे, तो भाई वर्तमान सरकार का भी पैटर्न, तो जब रोजगार दे रही तो मैं तो एक संदेह दूंगा, यदि हम नहीं कमाए हैं तो अल्प आयु जो लड़के जो बेरोजगार हैं उनको अवसर है तो रोजगार करें, लेकिन हाँ आस्था रखें। उद्योगी धर्म को चलाने के लिए देखो भी आप आस्था रहे, पहले लोग चढ़ावा चढ़ाते थे, तो उनको सोच समझ के रखे, जो मंदिर परिसर के नियम है उसके, जैसे 4 नंबर की दुकानें हैं वहाँ पे जो मुस्लिम भी है वो भी करते हैं, आप विश्वास रखिए जितने मंदिर यहाँ पर हैं समाहित कर लीजिए और एक सम्मेलन कर लीजिए। सरकार कहती है भाई मंदिर में जो है क्या क्या आपको जरूरतें हैं, तो भाई उसी तरह आपको मंदिर है भाई, उसको संचालन में जो दिक्कतें हैं, नीचे भी क्या प्रोग्राम होने वाला है वो सब आपको सूचना मिली। अच्छा, अभी हाल ही में मतलब पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में ये मुद्दा उठ रहा है जो ज्ञानवापी के नीचे जो व्यास जी का तहखाना मिला है, वो थोड़ा सा हमें क्योंकि हमारे दर्शकों को बस व्यास जी का तहखाना, देखिए तहखाना नहीं था, तहखाना बड़ा पवित्र चीज है, तहखाना देखिए शब्द नहीं, मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे हैं, वकील उनके कह रहे हैं कि वहाँ पहले मूर्तियाँ बनाई जाती थी, इस तरह का वो लोग बयान दे रहे हैं। भैया सर मुस्लिम पक्ष कब से आए? हम मुस्लिम पक्ष में हम क्यों नफरत है भाई? मुस्लिम पक्ष कौन होता है, हिंदू पक्ष कौन होता है? हम विश्वास रखें भाई हर आदमी दावा ठोकता है, जब कोर्ट में हम अदालत में चले गए तो हमारा तो एकदम महत्व ही गिर गया कि हमारा अदालत में कोर्ट, सरकार अगर आ गई है कह रही है कि भाई हम आपको न्याय दे रहे हैं, जैसे अयोध्या में था इतना एकड़ दूंगा, नहीं लिया नहीं लिया, यहाँ पे अगर नहीं मानेंगे भाई जो स्वीनी है उसको पालन करिए, सावधानी बरतिए। नहीं, वही एक सिक्के का तो दो पहलू, पूर्व में जो सरकार थी वो गोलियां चला दी और अभी वर्तमान में जो सरकार है वो न्याय दिला रही है।
भैया देखिए, हम पूर्व पश्चिम देखिए, हमने सब सरकार देखा है अभी तक, मैंने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो जितना देखिए सरकार बदलती है आपकी नीयत बदलती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा यह है कि आप विश्वास रखिए और ये जो असामाजिक तत्व होंगे वो सोचेंगे, हम कहा भाव रखें कि मेरे बगल में कौन है, मेरे बगल में कौन है। आप भाव विश्वास रखिए। हाँ, सावधानी हमारे यहाँ के जो नियम है वो हर व्यक्ति को करना चाहिए, जो धर्म हमारा कहता है पालन करिए। अति आधुनिक युग में हम पल रहे हैं, अतः आधुनिक युग में जो भी सिस्टम है उसको स्वीकार करिए, क्योंकि सरकार जो है जितनी सुविधाएं दी हैं विश्व को, जो है विश्व को सनाने वाला विश्वनाथ है, तो विश्वनाथ से क्या कौन बिगाड़ सकता है। आसुरी शक्ति भी आएगी उसका भी बाबा देख लेंगे। बिल्कुल, आसुरी शक्ति भी आएगी तो देख लेंगे, और बाकी सब भगवान करे सबका जय जयकार हो और सभी को वंदन करता हूँ, बाबा विश्वनाथ की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। और कुछ विशेष रूप से जो अच्छा महान जी, हमारा आखिरी प्रश्न है कि अयोध्या, मथुरा और काशी, इन तीनों में सबसे ज़्यादा पवित्र किसको समझते हैं? हमारा मन हमारा मन, क्योंकि तीनों हमारे दिल में बसे हैं। मेरा मन, अगर मन पवित्र है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है। नहीं, हमारा प्रश्न का ये दिशा ये था कि जो अभी हाल ही में काशी में भी काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के 2 किलोमीटर के दायरे में मांस मदिरा मुक्त कराने का नगर निगम में प्रस्ताव पारित किया गया, उस बिहार पे अयोध्या और मथुरा में पहले से ही बंद है, तो काशी में पूरी तरह से क्यों नहीं बंद है? देखिए भाई, ये सरकारी तंत्र है, प्रशासनिक हस्तक्षेप में नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारे धर्म के प्रति जो हमारी जो परंपरा है वो सरकार जो चली आ रही थी उसको सरकार सुरक्षित है, ये और ये पूर्ण विश्वास। भगवान शंकर ने कहा कि तुम मुझे के लिए एक बेलपत्र चढ़ा दो, तो बम बम बोल दो तो मैं खुश हो जाऊँ। ठीक है। तो आप कहें पर देख कहते भाई अलग अलग देवता, हमें बड़ी प्रथा नहीं थी, न बड़ी प्रथा है, तो बड़ी प्रथा हम नहीं करते। हम कहते ठीक है, विश्वनाथ जी में चढ़ता था भंग, तो भंग का लाइसेंस लेना पड़ता है, तो जो पुजारी चढ़ता है तो पहले अन्नकूट होता रहा, भंग की मिठाई होती रही, सरकार का बिल्कुल परंपरा भी हो थोड़ा सा रखिए, तो जो चीज है उसमें सुख रही। तो ये आप मानते हैं कि अगर हम जो चीज चढ़ाएंगे वही चीज उल्टा मिलेगा भी, तो बिल्कुल प्रसाद के रूप में कहीं ना कहीं, मतलब काशी में इस तरह का बंद होना चाहिए ना। देखिए काशी में, हम देखिए हम काशी के क्या है, काशी में जो है, क्योंकि काशी आपके नजर से भाई पवित्र स्थान है और भगवान शंकर ही सब कुछ है। भगवान शंकर नहीं, भगवान शंकर तोर कहा करुण रसा, फिर जगत में कहा रहा विश्वास, कहा जाता हूँ प्रभु आपका विश्वास करो दुनिया का, तो कौन मेरा है? तुम्हारे भगवान शंकर का जो इतिहास है, मतलब देखिये हम ईश्वर नहीं बन सकते, बहुत सी चीजें हैं, लौकिक परंपराएं भी रही, धार्मिक भी रही, और यदि कोई बाधाएं हैं तो उसको बताइए प्रभु इस कारण से नहीं हो पा रहा है, ऐसे होता है कि भाई सूतक लग गया, ये लग गया, तो सब बाबा क्षम करते हैं। सर्वप्रथम ये कि आप विश्वास रखिए कि आपकी उम्र हो जाए, आप मुक्त कर दीजिए अपने से। अच्छा, वर्तमान में जिस तरह से मंदिरों का जीर्णोद्धार होता जा रहा है, इसको कितना सही मानते हैं? देखिए काशी भैया मंदिरों का शहर है, बताया तो आपसे, घर घर मंदिर, घर घर देवता, तो घर घर जो मंदिर हमारी आस्थाएं हैं, अखाड़े हैं, उसका निर्माण करना है, क्योंकि निर्माण क्या होता है, घर मंदिर नहीं, अरे भाई घर घर में देवती होता है, काशी तो भाई मंदिरों का शहर था ही। बिल्कुल, यहाँ से तो भाई हर जगह हम शहर है, ये आप चले ये मुस्लिम शहर तो मुस्लिम कंट्री है, तो होगी वहाँ पर अब गया नहीं भाई, तो मैं पूरा हिंदुस्तान तो नहीं घुमाऊँ, कि जो विश्वास है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। नहीं, आपका धन्यवाद, चूंकि आपने हमें बहुत अपने कीमती समय दिया। कौन चला इधर? तो ये थे पूर्व महंत काशी विश्वनाथ महंत कुलपति तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप कहीं भी पूजा पाठ और दर्शन कर सकते हैं और आपके बने हुए काम आसानी से बन जाएंगे। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़, मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।